तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ देखिए, ब्लॉग आज का स्टार्ट हो गया और ब्लॉग स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया है। मैं जस्ट अभी अभी आई हूँ ट्यूशन से, और ट्यूशन से आते हुए मैं थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं कुछ सामान लेने चली गई थी। और वो रहा ये, तो ये स्वीट्स हैं, मिठाई, या मैं नियाज करानी थी तो इसलिए मैंने बाहर से मिठाई परचेज़ कर ली थी। आते में डेली रह जाता था, मैं भूल जाती थी, और ये कराना ज़रूरी था और डिले होता जा रहा था, तो इसलिए ये हमने एक नियाज मानी हुई थी, वो नियाज हमने करानी थी, तो इसलिए यहाँ पर ये मैंने ले ली है बर्फ़ी। और ये अभी हम जब नियाज कराएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। और ये गाइस, ये देखिए, इसमें भी कुछ सामान है, ये भी मुझे रास्ते से लेना था। थोड़े टैल्कम पाउडर वगैरह है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो कूल पाउडर चाहिए होते हैं उसके लिए, तो इसलिए मैंने ये पाउडर ले लिए थे। तो मुझे घर आते आते हो गया है लेट, और आज खाने में क्या बन रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और क्या क्या होगा वो भी सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से आएँ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो लोग न्यू हैं वो ओल्ड ब्लॉग्स भी वॉच कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें हम लोग जहाँ घूमने गए हैं सब कुछ, सारे ब्लॉग हैं, तो आप लोग आके वॉच कर सकते हैं। और गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, कमेंट करके हमसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं आएगा, कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो फिर पता नहीं चलेगा आप लोगों को कैसा लग रहा है ब्लॉग करने में, मज़ा आ रहा है देखने में या नहीं। और गाइस देखिए कितनी गर्मी है, आप लोग देख सकते हैं स्वेटिंग, कितनी ज़्यादा मुझे स्वेटिंग हो रही है। देखिए ऐसा लग रहा है शाइनिंग बहुत स्वेटिंग से, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत, मैं आपको क्या बताऊँ, बाहर बहुत बुरी हालत है। हालांकि डेली बेसिस पर बारिश हो रही है, लेकिन बारिश रात में होती है और सुबह में ख़त्म हो जाती है, और सुबह में, तो गाइस बारिश होने के बाद रात में जब बारिश, सुबह में बारिश ख़त्म हो जाती है अर्ली मॉर्निंग, फिर उसके बाद दोपहर में बहुत ज़्यादा घुटन होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी, कीचड़, ये सब कुछ होता है। तो गाइस इसलिए, लेकिन बारिश का होना भी ज़रूरी है, बारिश थोड़ी बढ़िया करके पड़ जाए तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन बारिश बढ़िया करके हमारी हो ही नहीं रही है, बारिश तरसा रही है, पता नहीं कब अच्छी वाली बारिश हमारी होगी। तो गाइस चलिए चलते हैं और अभी अपना अबाया उतारते हैं। तो देखिए अभी मैंने अबाया ही पहना हुआ है अपना आते ही, और वो देख सकते हैं पीछे वो मेरा मास्क है, मैंने यहीं पर बैग पर रख दिया था, तो पीछे मास्क पड़ा है। बस जस्ट अभी आते आते मैंने सोचा ब्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमने पाउडर लिया था, जो कि हमारे घर में पाउडर यूज़ करती है हमारी मम्मी, वो अभी आपको दिखाते हैं पाउडर। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो पूरे दिन काम करती रहती हैं किचन में, उसके लिए उनको थोड़ा, मतलब समझ सकते हैं आप, गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये हमने ये लिया था कूल पाउडर, और इसके साथ हमें फ्री मिला था ये ऑयल, ये क्या था, ऑफर था ये, तो ये हमने ले लिया पाउडर, और हमने ले लिया साथ में इसके फ्री में ऑयल, मज़ा आ गया गाइस। लेकिन ये ऑयल हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी किसी के तो काम आएगा ही घर पे होगा। तो गाइस देखिए, मम्मी इतनी गर्मी में बना रही है किचन में खाना, तो अभी चलते हैं और चल के आपको दिखाते हैं कि किचन में आज क्या बन रहा है, कुछ मज़ेदार ही बन रहा है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा कूल नवरत्न पाउडर, तो जिन लोग गर्मी ज़्यादा लगती है वो यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है गाइज, आज हम बना रहे हैं खाने में पूरी, और आप देख रहे होंगे हम बहुत दिन के बाद आज हमारे यहाँ बन रही हैं कीमे वाली पूरियाँ, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी में बिल्कुल खाने का दिल नहीं चाह रहा कुछ, लेकिन पूरी कैसे छोड़ सकते हैं ऐसे मौसम में। और ये क्या है, और ये देखिए सब्जी भी ज़रूरी है, ये लीजा के लिए बनाई हुई, ये देखिए गाइज ये बनाई है हमने घुइयों की कतलियाँ अलीज़ा के लिए, क्योंकि अलीज़ा पूरी ही नहीं खाती है। तो चलिए जब खाना बन जाएगा तो हम खाएंगे मज़ेदार। हाँ देखिए गाइज, ये एक छुपकली आ चुकी है हमारे घर में, जिसने हमारा हाल बुरा कर रखा है, और आप देख सकते हैं कितनी मोटी छुपकली है, इसकी आँख में लाइट चल रही है, हाँ वो फ्लैश की वजह से दिख रही है, और मम्मी सुन के डर गई आँख, और मम्मी के सारे काम ख़राब कर दिए इस छुपकली ने आके। तो देखिए थोड़ा जूम आउट करके दिखाती हूँ, ये देखिए इतनी मोटी छुपकली बैठी है। ये रहे हमारी यमी कीमे की पूरियाँ, और ये देखिए कितनी सारी हमने चटनी बनाई है ताकि हम इसको स्टोर करके रख सकें। तो चलिए चलते हैं अभी अपना लंच करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
देखिए गाइस, यहाँ पे हम न्यास कराने के लिए निकाल रहे हैं अपनी बर्फी। और निकालते हैं, देखिए ये रही हमारी बर्फी। और अभी मैं इसको यहाँ पे निकाल लूँगी, ये लॉक रखा है, इसको साइड में कर देते हैं। तो गाइस देखिए, ये रही बर्फी, इसको हम निकाल लेते हैं। दो जगह निकालेंगे हम। थोड़ी सी यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम ऐसे करके इसको रख देते हैं। हाथ धो ली के धोले हुए हैं। देखिए, और ये यहाँ पे हमने लगा दिया अगरबत्ती। अलीजा लगा के भी कहाँ पे गई है? आज तो ठंड लगी है। मम्मी आ गई है यहाँ देने। मैं ले लिया मैंगो और मैं जा रही हूँ उसको खाने। तो गाइस चलिए चलते हैं, पहले हम करते हैं अपने मैंगो को वॉश। तो यहाँ हम आ गए हैं वॉश बेसन पर, वॉश कर लेते हैं। ये हो गया, देखिए क्लीन एकदम वॉश हो चुका है। और अब हम ये हटा देंगे, तो थोड़ा सा आया से वॉश करेंगे और इसको बंद कर देंगे। किस चीज़ की मामा? अंदर बाजी, मैं, अलीजा, अमान और बाकी के? और ग्लास? ग्लास और नहीं है। बोलिया छोटा चूल्हा है, चूल्हा दो, ये तू ले ले, लेकिन दो पी, तीन पी, तीन पी। और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो उसमें कोल्ड ड्रिंक रखी है हमारी मज़ेदार। तो चलिए चलिए पीते हैं कोल्ड ड्रिंक और आप लोग भी आ जाइए, आप इंजॉय करिए कोल्ड ड्रिंक। देखिए गाइस, हम आ चुके हैं नानी के यहाँ और सारे लोग बैठे हैं बाहर। तो गाइस आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से हो गया सबका बुरा हाल और सबको हो रही है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग। तो अभी अभी हमने कोल्ड ड्रिंक पी है और आपको दिखाएंगे, व्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो गाइस मज़ा आ गया कोल्ड ड्रिंक पी के, क्योंकि इस टाइम ठंडा ठंडा ड्रिंक ही बढ़िया लगता है। और देखिए मुझे यहाँ पर डकार आ गई। तो गाइस हमने पी ली थी अपनी कोल्ड ड्रिंक मज़ेदार और सबको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी थी। और गर्मी ख़त्म होने का तो नाम ही ले लिया, इतनी सारी बारिश पड़ गई लेकिन उसके बाद भी कॉन्टीन्यूसली गर्मी पड़ रही है। तो इसलिए आज मैंने ये वेयर किया टी शर्ट अपनी, क्योंकि जितने ज़्यादा हल्के कपड़े पहन लो उतना ही अच्छा है। गर्म मतलब थोड़े भी, मतलब मोटे कपड़े बिल्कुल नहीं पहने जा रहे। और आप समझ ही रहे होंगे जो लोग गर्मी से, मतलब सारे ही लोग गर्मी से सरवाइव कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, चली जाएगी गर्मी अभी और फिर आ जाएगी ठंड। तो फिर हम लोग सोचेंगे कि ठंड क्यों आ गई, तो यही होता है, या तो गर्मी होती है तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है, तो वो भी इतनी ज़्यादा। तो गाइस चलिए, आज का जो भी रूटीन था वो आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और देख सकते हैं स्वेटिंग, ये देखिए सारे बाल गीले गीले हो गए हैं। और ये देखिए हम नानी के घर आ चुके हैं, बाहर सारे लोग बैठे हैं बातें कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं और चल के आपको दिखाते हैं कौन कौन बाहर बैठा है। चलिए चलते हैं बाहर, और बाहर जाके बिरयानी देखते हैं। भाई बिरयानी भी रेडी हो गई, तो देखते हैं यहाँ पर आंटी खड़ी हैं और सब लोग बाहर बैठे हैं। चलिए चलते हैं और चलकर चेक करते हैं अपनी बिरयानी।
गाइस चलते हैं किचन में और आपको दिखाते हैं आज हमने क्या बनाया है डिनर में। और आज डिनर में बनाई है नाजमा आंटी ने स्पेशल चिकन बिरयानी। नाजमा आंटी, तो गाइस देखिए फिर से मेरा हाथ जल रहा है और मुझसे ये नहीं खुल रहा। तो देखिए मैंने ये यूज़ करा है। ओह माय गॉड, इट्स लुक सो डिलीशियस। हेलो गाइस, कितनी यमी 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 हमारी बिरयानी लग रही है, मज़ेदार एकदम बिरयानी बनी। बिरयानी आज हमने बनाई है चिकन बिरयानी। तो गाइस पहले हम निकालते हैं खाना एक खुराक का, उसके बाद मतलब निकाल के रख देते हैं बरकत के लिए, तो उसके बाद खाते हैं सब लोग। और यहाँ नानी ने बनाई थी अरहर की दाल और चावल, चावल सबने खा लिया और दाल बची है। देखिए गाइस हमारी बिरयानी रेडी हो गई है और अब हम जा रहे हैं अपना डिनर करने और आपको भी दिखाते हैं बिरयानी हमारी कैसी लग रही है। और यहाँ बच्चे खाना लेकर आ गए हैं और वो डिनर कर रहे हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। देखिए यहाँ पे दोनों खा रहे हैं खाना और बिरयानी चल रही है, अब हम भी चलते हैं अपना डिनर करते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर मैं ले लिया बिरयानी और मैं खाने जा रही हूँ अब अपनी बिरयानी। और बिरयानी बहुत ही अच्छी बनाई है आंटी ने, तो आप लोग अगर बोलेंगे तो आंटी रेसिपी शेयर करेंगी आपके साथ। आप कमेंट में बताएं, कमेंट करके बताना आप। देखिए गाइस यहाँ पर बैठे हैं सारे लोग और यहाँ ये रब्बान है और अर्श है और अलीज़ा और नानी, सब लोग बैठे हैं। और देखिए गाइस यहाँ पर आए हुए हैं टाइल्स क्योंकि टॉयलेट रेडी हो रहा है, नानी का एक टॉयलेट बन रहा है, तो अभी आपको दिखाते हैं कौन सा वाला है टॉयलेट, उसमें टाइल्स लगेंगे। तो देखिए ये रहा, ये पहले यहाँ टॉयलेट था, इसको हमने फिर वॉशिंग एरिया बना लिया था और अब इसके टाइल वगैरह काफ़ी ख़राब हो गए हैं, तो यहाँ पर टाइल्स लग जाएंगे और यहाँ पर वेस्टर्न टॉयलेट बन जाएगा, इंडियन तो है। और गाइस देखिए यहाँ पर शावर भी है, बाथरूम था ये क्योंकि। तो चलिए चलते हैं, अभी हम करते हैं अपना डिनर। घर से निकल गए थे नानी के घर, फिर जा रहे हैं घर। तो गाइस आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया, बहुत पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।